हैं हैं जो भक्ति मार्ग में आत्मा मनुष्यों की जानवरों की उनकी आत्मा बदला लेती है, बदला लेती नहीं है। जानवर मनुष्यों को मार के नहीं खा जाते हैं, मनुष्य मनुष्यों को नहीं मार देते हैं, नहीं मारते हैं क्या? मारते हैं, यहाँ ज्ञान में भी मारते हैं। जो जानवर बुद्धि है उनको समझाना बुझाना चाहिए या सीधा ऐसा सीखा बाण मारना चाहिए जो मर जाए? हैं? क्या करना चाहिए? जानवर बुद्धि को मानवीय बुद्धि बनाना चाहिए और मानवीय बुद्धि बना करके उनको जीवित रखना चाहिए या गुस्से में आकर के उनकी मौत कर देनी चाहिए? अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत करना अच्छा है या निश्चय बुद्धि जीवन अच्छा है? तो शूटिंग पीरियड में भी होता है तो ज्ञान मार्ग में भी होता है या नहीं होता है? यहाँ भी हत्याएं होती है ब्राह्मणों की दुनिया में और वहाँ भी हत्याएं होती है। क्या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पूतनाएं नहीं है क्या? छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में पैदा होते हैं, खुद की बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है कि पवित्र रहना अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को विकारी बना देती है तो कौन सी शूटिंग हो जाती है? हैं? पूतना की शूटिंग हो जाती है, काल के गाल में धकेल देती है। ऐसे नहीं कि फीमेल की ही ये बात है, कंसी जरा सिंधी भी है जो कृष्ण जैसी तेज वाले अच्छे अच्छे बच्चों को कंस के कोष घर में डाल देते हैं। दुनिया समझ के बड़े अच्छे पुरुषार्थी है और जब भेद खुलता है तो पता चलता है इनको तो ज्ञान में बिल्कुल निश्चय है ही नहीं। दे अभिमान के रास्ते अपनाते हैं, कोर्ट कचहरी के रास्ते अपनाते हैं, रिश्वत देने के रास्ते अपनाते हैं, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ कहेंगे या मरे हुए कहेंगे? मरे हुए। और है गुरु, गुरु कौन है? पूर्णिमा, पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। हाँ पूर्णिमा जी ने, हाँ हाँ जी, हाँ तो क्या कहना चाहते? गुरु पूर्णिमा तो है, है? चलो गुरु मान लो चाहे गुजरी मान लो, जैसी जैसी धारणा ये तो अपने ऊपर है। वैसे बाप टीचर सदगुरु है तो एक ही रूप, लेकिन पार्ट नंबरवार है या एक साथ तीनों पार्ट चलते हैं? तो सदगुरु का पार्ट अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे, अभी टीचर की क्लैरिफिकेशन व्याख्या चल रही है। सदगुरु का पार्ट तो बहुत तीखा होता है और बहुत सख्त होता है, एक वाक्य को भी अगर उल्टा पलटा निकला तो माफ नहीं करेगा। अभी तो कितने नहीं बाबा, जो आत्मा शरीर छोड़ते हैं उनका श्राद्ध करते हैं वो आत्मा आते हैं? पहले जब सतो प्रधानता थी तो आत्माएं आती भी थी, अभी तो तमो प्रधानता बढ़ गई तो सिर्फ लीक पीटते हैं। उनको भोग कराया जाता
भोग चढ़ाते हैं वो सिर्फ परंपरा अपनाते हैं। आत्मा आती नहीं है। अभी कलयुग की शूटिंग हो रही है, सब आत्माएं तमो प्रधान बन चुकी है। पितरों की आत्माएं भी तमो प्रधान हो चुकी है। और पूरी वाणी सुन लेते हो, अर्थ को कैसे नहीं कर पाते? भगवान है, भाग्यशाली भी होता है। ठीक है, उससे ज्यादा कोई भाग्यशाली कहा जाएगा? है कहा जाएगा क्यों? रामकृष्ण भाई नहीं कहा जाएगा, हमारा तो नाम ही रामकृष्ण, हमसे ज्यादा कौन समझेगा? और प्रॉपर्टी बना बाबा से बोला है, और एक बार बोला है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो आप हद के बच्चे हैं या बेहद के बच्चे हैं? बेहद बाप के बच्चे हैं या हद के बाप के बच्चे पहले हैं? अभी कौन से हैं? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? जबकि मुरली ने दूसरी तरफ क्रास वाक्य भी बोल दिया है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। अगर पैसे हैं तो बाल बच्चों के पेट में जाने दो, उनकी अच्छी से परवरिश करो, जो तुम्हारे फेवर में रहे, ज्ञान में चले। अलौकिक बच्चों की परवरिश करो ताकि अपना भाग्य बने। मिट्टी में पैसा बहाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ढेर सारे मकान खाली मिल जाएंगे। अभी तो थोड़े सेंटर्स हैं। मुरली बोला है आगे चल करके लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जाएंगे। तो क्या मकान बना बना के देंगे? क्या खरीदेंगे जमीन, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे? इतनी मेहनत करने की दरकार नहीं है। हमारा तो सहज राजयोग, सहज ज्ञान है। हाँ जी, तो बीमार नहीं कुछ नहीं, मैं अपने आप शरीर छोड़ देता। हार्ट फेल हो जाता है? नहीं, अपने आप शरीर छोड़ देता। अपने आप माने हार्ट फेल होता है, जैसे हार्ट फेल होता है ऐसे ही शरीर छोड़ देती। क्या बड़ी बात हो गई? कोई में भूत प्रेत ऐसा प्रवेश करता है कि तुरंत शरीर छुड़वा देता है? एक बच्चा ज्ञान चलेगा, परिवार तो क्या हुआ? अभी दुनिया खत्म हो गई क्या? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा ने बोला है ये बुद्धि में रहना चाहिए,
कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, बोल नहीं बोला है, किसने बोला है? बाबा ने बोला। और किसके मुख से बोला है? नहीं, किसके मुख से बोला है? हैं? अब व्यक्त बाप दादा के मुख से बोला है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, दुनिया के मुख से निकली हुई बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ बोला वो मुख से निकली हुई बातें झूठी। तो प्रश्न क्यों उठता है, कुखवंशावली हो या मुखवंशावली? हाँ, कुखवंशावली नहीं बनना। अब तो समझ के बोलना। बाबा ने तुलसी का क्या पाप कृष्ण को सिर्फ एक महारानी थी या पटरानियां भी थी? एक महारानी थी राधा, और आठ पटरानियां भी थी। उनका नाम पटरानिया क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषार्थ तीखा करते करते, ताप मोस्ट का पुरुषार्थ करते करते माया ने अंत में उनको पट्ट में गिरा दिया, इसलिए उनका नाम पटरानिया पड़ा। तो तुलसी को पटरानी कहते हैं या महारानी कहते हैं या रानी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? पटरानी कहते हैं। वो दो प्रकार की पटरानियां हैं, एक हरिक तुलसी और दूसरी काली तुलसी, और दोनों का स्थान अलग अलग है। एक कांटों के जंगल में ही रहती है। फिर पूजा क्यों होती है? भगवान तो मंदिर में रहता है और वो कांटों के जंगल में रहती है, तो पूजा का आधार क्या है? जरूर थोड़े से थोड़े टाइम मंदिर में भी रही होगी, इसलिए काली तुलसी की भी पूजा होती है। पूजा का आधार ही है प्योरिटी, और हरित तुलसी की तो घर घर में पूजा होती है, क्योंकि वो घर ग्रस्त बनाकर लंबे टाइम तक भगवान के साथ रही होगी। भक्ति मार्ग में वो देवी का मेला भी मनाते हैं। सबसे जास्ती मेला जगदम्बा का होता है, क्योंकि उसने जितना लंबे समय तक मनसा का, वाचा का, कर्मेंद्रियों का मिलन मेला मनाया है भगवान के साथ, उतना जास्ती मिलन मेला और कोई भी पटरानी ने नहीं बनाया। और है? मणि नहीं जानते? मणि माने क्या है? हाँ, मणि माने मस्तक में जो आत्मा बैठी है उसको क्या कहते हैं? मणि। सर्प के मस्तक पर मणि दिखाते हैं, ऐसे ही रुद्रमाला के मण के भी क्या है? मणि है। आत्म की स्थिति में स्थित होने की यादगार है मणि। जटायु का पार्ट वो है जो भगवान का साथ तो देता है, रावण से लड़ाई भी लड़ता है, लेकिन जटायु ज्यादा बलवान है या रावण ज्यादा बलवान पड़ता है?
रावण ज्यादा बलवान पड़ता है, इतना बलवान पड़ता है कि उसके ज्ञान योग के पंखों को काट देता है, धराशायी हो जाता है। परंतु फिर भी धराशायी होते होते भी भगवान से उसके मेल हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, सदगति हो जाती है, क्योंकि जितनी ताकत थी उतना मुकाबला किया, इसलिए सदगति पाता है। सीता मैया शिव का विषय उठा लेती है लेकिन रावण नहीं उठा पाता है। उस शिव का धनुष कहा जाता है, धनुष है पुरुषार्थ रूपी, और पुरुषार्थ शरीर के द्वारा किया जाता है या बिना शरीर के किया जाता है? शरीर के द्वारा पुरुषार्थ किया जाता है, शरीरों के लिए बोला है कि शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इतने शरीर सड़ते जावेंगे कि हाथों में कंपन होने लगे, आंखों में चश्मा चढ़ जाए, दांतों में कैप्स चढ़ जाए, नाक भी काम न करे और कान भी काम न करे, कोई भी इंद्रियां काम न करे, सब हिलती डुलती, तो भी ईश्वरीय कार्य में पीछे रहे आगे बढ़ करके रहेगा, उसको कहेंगे ईश्वरीय पावर। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? राम उसको तोड़ देता है। शिव का धनुष का मतलब शरीर रूपी धनुष जिसको रावण नहीं तोड़ सका। ब्राह्मणों की दुनिया में 10 सिरों का पार्ट कोई आत्माओं का है या नहीं है? 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चित्र तो दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं या नहीं? तो चरित्र करने वाले भी कोई होंगे। और 5 देवताएं जलवायु अग्नि आकाश, ये दिखाते हैं ना, ये 5 तत्व मंदोदरी के 5 सहयोगी। तो 10 रावण के सिर हो गए, परंतु रावण के 10 सिरों का भी बाप कौन है? हैं? दे अभिमानी के लिए कौन से जानवर का चित्र दिखाया जाता है? गधे का चित्र दिखाया जाता है। गधा कहो, बैल कहो, जब एक्साइटमेंट आता है तो बुद्धि से सोचता है या देहभान में आकर के धूल में लौट जाता है? क्या करता है? धूल में लौट जाता है। कितना भी धोबी उसकी परवरिश करे, नहलाए धुलाए, फिर भी क्या करेगा? धूल में लौट जाएगा। तो रावण के 10 सिर और 11वां सिर कौन सा हुआ? दे अभिमानी गधा, वो कौन है? हैं? किसी को ज्ञान की कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती है तो क्या कहते हैं? गधा। ऐसे ही गीता का भगवान, कितनी सहज बात बुद्धि में आनी चाहिए लेकिन बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ हो सकता है या कोई देहधारी हो सकता है, तो क्या कहेंगे? गधा।
अभी समझ में आ गया? रामकृष्ण भाई समझाओ, नहीं आ रहा है समझ में, पूरा सर नहीं, पूरी काम नहीं हिल रही है, हाँ? नहीं आया? अच्छा किसकी समझ में आया तो बताओ, अरे सेवका धनुष माने ऐसा शरीर रूपी पुरुषार्थ करने वाला लचीला शरीर रूपी रथ, जो पुरुषार्थ रावण नहीं कर सका, रावण उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को हिला भी नहीं सका, और सीता ने तो आराम से हाथ में उठाई लिया, और राम ने तो उसे तोड़ ही डाला। ये किसकी हड्डियों का रथ था? वो धनुष था, दधीचि ऋषि की हड्डियों का धनुष था। ये हड्डी हड्डी सेवा में किसने लगाया है? ब्रह्मा बाबा ने लगाया। राम के लिए क्यों नहीं कहेंगे दधीचि? है आदि में तो राम वाली आत्मा थी, है? है? क्या बड़ा होता है? हाँ जी, और हाँ तो खा भगवान की वाणी को मेरे मुख से अगर दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? तो भगवान के मुख से सुनने वाले कितने होंगे दुनिया में? अरे बस 4.5 लाख ही सुनेंगे, हैं? कितने सुनेंगे? अरे जो आदि जो अंत, आदि में सिंध हैदराबाद में आबादी कितनी थी? 9 लाख आबादी थी। अंत में भी मुख के सामने अगर 2 मिनट भी आकर के सुन लिया तो सन्मुख सुनने वाले की लिस्ट में हुआ या नहीं हुआ? उस स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? शरीर छोड़ना अलग बात, स्वर्ग में आना अलग बात। स्वर्ग कोई पहले जन्म में ही नहीं होता है, सत्युग के 8वें जन्म में स्वर्ग होगा या नहीं होगा, हैं? और पहले जन्म में भी आबादी कितनी होगी अंत में? पहले जन्म के अंत में कितनी आबादी होगी? जन्म लेने वाले कितने और जन्म देने वाले कितने होंगे? 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले। तो ये संपूर्ण लक्ष्य हुआ या अधूरा लक्ष्य हुआ स्वर्ग में आने का? संपूर्ण लक्ष्य हुआ, क्योंकि अगर दूसरे जन्म में आकर के कोई आत्मा जन्म लेती है तो द्वापर उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको पक्का स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। और बाबा ये प्लग ने द्रोणाचार्य ने विद्या नहीं सिखाई तो उन्होंने गुप्त रूप में वो सीखी, उसके बाद उनका अंगूठा ले लिया। अशोक चव्हाण ने बताया, बोले उनका अंगूठा क्यों लिया? तो बोले उन्होंने राज यही है कि गुरु लोग ने अन्याय करना शुरू कर दिया या न्याय किया? चुपके से सीखी, अब तुमने परमिशन नहीं दी, उसने मूर्ति बना करके सीखी। विद्या लेना ये कोई खराब काम है क्या?
अच्छा चोरी से ज्ञान ले लेना ये खराब काम है क्या? नहीं, लेकिन गुरु ने अन्याय किया और गुरु होते ही हैं अन्यायी। ये देहधारी मनुष्य गुरुओं की बात है। अंगूठा काट लिया का मतलब आत्मी की स्थिति खलास कर दी, फिर भी उसने पुरुषार्थ करके उंगलियों से बाण चलाना सीख लिया। क्या अंगूठे से ही नहीं बाण चलता है? ये दो उंगलियों को भी इकट्ठा करने से बाण चलने की प्रैक्टिस की जा सकती है। का नाम क्या था? एकलव्य। जो एक को लव करने वाला है वो कभी किसी से हार नहीं मानता। गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा अटल थी या डिग गई? अटल श्रद्धा रही। ये तो आज के भी गुरु लोग कह रहे हैं। जो ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु लोग हैं वो नहीं कहते हैं कि यहाँ की मुरलियाँ चुराई ली हैं, है? भगवान की मुरलियाँ चुराना खराब बात है या अच्छी बात है? और कागज के पत्ते कोई घरों में सेंध लगा करके चुराई लिए या देने वालों ने दिए तो लिए? देने वालों ने दिए, पढ़ने वालों ने पढ़े, तुमने उसका ध्यान नहीं दिया तो इसमें दूसरे का क्या कसूर? कोई भगवान की वाणी को महत्व देता है, कोई महत्व नहीं देता है। कोई ने गोद को प्यार किया, गोद में बैठे बैठे सुख लिया ब्रह्मा बाबा के, तो गोद ही याद आवेगी या वाणी याद आवेगी? गोद याद आती है। तो अंतिम अंजाम क्या होता है? ब्रह्मलीन स्वामी हो जाते हैं तो या भगवान की गोद में पहुंचते हैं? ब्रह्मलीन हो जाते हैं। भगवान को चित्त कहा जाता है। चित्त किसे कहा जाता है? चित्त वृत्ति। वृत्ति माने जो वृत्त खिंचता है मन का, चारों तरफ वाइब्रेशन फैलता है, उसको वृत्ति कहते हैं। चित्त की वृत्ति अर्थात मन की वृत्ति, मन बुद्धि का जो वृत्ताकार चारों तरफ फैलता है उसको कहते हैं चित्त वृत्ति। तो भगवान 500 700 करोड़ की जो भी मनुष्यों की दुनिया है उन सभी आत्माओं की चित्त वृत्ति को चुरा के परमधाम में ले जाएगा या कोई को छोड़ देगा? है? नहीं जावेंगे तो मार कूट करके भी ले जाऊंगा। तो सबका चित्त चोर हो गया? ऐसे नहीं, 16,000 का ही चित्त चोर होता है। कल भी पुलिस सड़क का बाद आश्रम में घुसी थी, जबरियन जा करके कई कन्याओं से पूछताछ की चित्त वृत्ति का भेद लेने के लिए, लेडीज पुलिस ने भी और जेंट्स पुलिस ने भी। कंपिल में भी वाकया हुआ था तो 2 महीने लगातार लेडीज पुलिस सुबह से लेकर के शाम तक तैनात रहती थी, एक एक से पूछताछ करती थी अलग अलग ले जाकर। और जिनका चित्त चुराई लिया गया है उनके मुख से तो कुछ भी निकलने वाला नहीं है। पहले भी तो हुआ था, आज में भी हुआ था, आज में भी हुआ था, तो अंत में भी होगा। आज में बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में थोड़ा हुआ, अभी अंत में विशाल रूप में होता जाएगा और दुनिया में आवाज फैलती जाएगी।
होगा और आवाज फैलेगी। आज के अखबार में कुछ निकला होगा, प्रेस वाले भी आए थे साथ में। बंधन आत्मा समझने से फटाफट खलास नहीं होगा, आत्मा समझने से सिर्फ प्रैक्टिस होगी आत्मिक स्थिति में रहने की। लेकिन आत्मा के साथ अगर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद नहीं किया तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। हमारा प्रवृत्ति मार्ग की याद है या सिर्फ आत्मा की याद है? हमारी प्रवृत्ति मार्ग की याद है, आत्मा भी चाहिए और साथ में परमात्मा भी चाहिए। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये जिंदगी को याद करते हैं, अपनी आत्मा को याद करते हैं या कोई साकार को याद करते हैं? किसको याद करते हैं? सिर्फ बिंदु को याद करते हैं, इसलिए विधर्मी बन जाते हैं। देवता नहीं बन पाते, इनकी आत्मा में देहभान रह जाता है। एक शिव परमात्मा ही है जिसमें देहभान का नाम निशान भी नहीं है, 100% आत्माभिमानी। वो भी प्रैक्टिकल किसी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, और जिस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, न ब्रह्मा का और ना विष्णु संपूर्ण माना जाता है, परंतु विष्णु का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। हाँ जी, जिन आत्माओं की हमारे द्वारा जाने आने जाने जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी यथार सेवा आप कैसे उठाया जाए? आप माने एक ही व्यक्ति करे? बहुत सी आप करेंगे हैं, बहुत सी आप जान बुझ कर नहीं बोले, जाने आने जाने भी हो सकेंगे। आप माने क्या? बाकी बाहर वाले आत्माओं शिव बाबा न किसी की सेवा करता है न किसी की डिस्टर्बेंस करता है, वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान सुनाता है। और सेवा या डिस्टर्बेंस ये करना किसका काम है? देहधारी बच्चों का काम है। ये बच्चे डिस्टर्बेंस भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं, लेकिन जो सेवा करने की हिम्मत करते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, अथवा कहो राम कृष्ण की आत्माएं, उनमें प्रवेश करके उनको बल देती है। जिस सर्विस को सर्विस में बदल देती है, हिम्मते बच्चे मददे बाप हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था बच्चों द्वारा जो डिस्टर्ब होती है, हाँ हाँ, दूसरे बच्चे में प्रवेश करके बाबा उसकी सर्विस कराए देते हैं। जो बोला हुआ है वंचित हुई आत्माओं को उठाओ, तो बीके में और पीबीके में ढेर सारे वंचित हो रहे हैं,
उनकी सर्विस हो रही है तभी तो वंचित हो रहे हैं, तो उनको उठाने के कोई निमित्त बनता है या नहीं बनता है? जो हिम्मत करता है उसको बाप दादा की मदद मिल जाती है। गुणों की कोई संख्या होती है क्या? शिव बाबा के कितने गुण हैं? है? उन्होंने तो चित्र में बांध दिए हैं, कितने गुण? 32 गुण। लेकिन क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग में? गुण निदान, गुणों का सागर है। तो जो गुणों का सागर भगवान है उससे जो गुणों की संख्या धारण करेगा वो कोई लिमिट में होगी या अनलिमिटेड होंगे? अनलिमिटेड। मुख्य रूप से गुण गिनाए दिए हैं, सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलो बोलो, टाइम वेस्ट हो रहा है। जटा माने ये ज्ञान की जटाएं, जटा माने ज्ञान की जटाएं, और आयु माने हैं उम्र। जिसकी उम्र ज्ञान में बहुत लंबी है, जिसकी ज्ञान की जटाएं लंबी है, ज्ञान योग के पंख भी लंबे हैं, ज्ञान योग के पंखों से बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, ऐसों को भी माया रावण क्या करता है? पंख काट देता है। बाबा को हाल जो कार्यक्रम करने के लिए वो आध्यात्मिक व्यक्ति का जो बना हुआ हाल होता है तो वो लेना है, व्यक्ति ज्ञानी का लेना है। हाल तो कोई भी दे, अज्ञानी देता है तो एग्रीमेंट लिखा लो ताकि धोखा न दे दे। नहीं तो प्रोग्राम करना शुरू करो और बीच में तुम विघन डाल दे। और ज्ञानी है तो भी कुछ न कुछ लिखा पढ़ी कर लो, क्योंकि आजकल ज्ञानी भी क्या बन जाते हैं? तुरंत अज्ञानी बन जाते हैं। मान लो कोई गीता पाठशाला खोलने के लिए मकान देता है तो ऐसे नहीं कि बैठ जाए सीधे सीधे, उससे एग्रीमेंट लिखा लो कितने साल के लिए देना है, उसके बाद बैठना चाहिए। कमल कीचड़ में इसलिए होता है कि जो बहुत बड़ा होता है वो बहुत बड़ा काम करता है। बड़ा फूल कौन सा होता है? कमल का फूल बहुत बड़ा होता है, बड़े होने के कारण ही उसका नाम किंग फ्लावर रखा जाता है। क्या? फलों फूलों का
राजा, तो ऐसे ही फूलों का राजा हो जाए या बड़ा काम करके दिखाएगा? अच्छे में रह करके अच्छा बनना, ये तो सामान्य बात हो गई। लेकिन सौ बबुलों के बीच में एक अंश अपनी मस्ती में बना रहे, उसको कहते हैं कीचड़ में कमल फूल समान दिया। मुरली ने बोला है कि गली गली में कैसा पाठ करा होली का, ठीक है? तो जो लोग रहते चार पांच परिवार ही की गली में है, किराए का ही मकान है, तो एक ही जगह पर या एक ही जगह पर रहना? एक गली में एक ही जगह रहो, अगर दूसरी जगह जिज्ञासु दूसरी गली में ज्यादा निकलते हैं तो भले किराए पे लेकर दूसरी गली में खोल दो। जब कर्फ्यू लगेगा, मारकाट होगी, तो एक गली से दूसरी गली में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। बंदूक लेके एक इधर एक उधर खड़ा रहेगा। अगर सामने ही दरवाजा होगा तो क्या करेंगे? इधर से निकले उधर घुस गए। जब तक वो गोली लगाएगा तब निशाना ही नहीं बनेगा। इसलिए गली गली में गीता पाठशाला हो। उल्टा उल्टा बोल देते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो, तो उल्टा अर्थ लगाने के कारण बाकी को उल्टा कर दिया तो गीता पाठशाला में जाना ही छोड़ देते हैं। संगठन की वैल्यू ही खत्म कर देते, न हिंदू रहे न मुसलमान रहे न क्रिश्चियन रहे, नास्तिक बन गए। हाँ जी, कहाँ रहेंगे? माउंट आबू में रहेंगे। कितने हैं बच्चे अभी? अरे कितने बच्चे हैं? हैं? और 10,000 है बस? हैं? अंत में लगेगा 2036 में लगेगा। अच्छा है, कई बार लगता है कर्फ्यू, तो बीच बीच में लगता ही रहता है। हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अरे आज ही तो अंत हो, कभी लगेगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा। हाँ, अभी फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा। जो अपने को पाक साफ समझते हैं लेकिन है मुसलमान, किसको मानते हैं? मूसल को मानते हैं, देवियों को नहीं मानते क्या? हमारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? हम तो मूसल को भी मानते हैं और जलाधारी को भी माता के रूप में मानते हैं। हम अम्मा बाप के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमार नहीं है सिर्फ, हम किसके कुमार हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं। तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होने देंगे, माँ बाप में झगड़ा नहीं होने देंगे, देश का बंटवारा होना चाहिए क्या? भारत माता कहा जाता है, माता का खंडन होना चाहिए क्या? ये गुरु लोगों का काम है जो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। नौकर मंत्र है, किसने लिखा है? आज तक उसका नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ, सब जगह में मान तुम जी ने वो भागवत क्या भक्ता मरण लिखी है, सब लिखा है,
सारे शास्त्र आपने पढ़ लिए क्या? पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े बहुत बड़ा विद्वान पंडित आचार्य आया हुआ है। किसने लिखा है? पूरा मालूम है। जब शिव बाबा सृष्टि में आते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जब भगवान ने सृष्टि रखी तो ब्रह्मा के मुख से पहला अक्षर क्या निकला? पांडवों को नहीं आने देना, अगर पांडव आएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। आने को भी तैयार नहीं रहते है, आने को तैयार नहीं रहते तो बड़ी अच्छी बल्ला बल्ला। पांडव आने को तैयार नहीं, और जहाँ पांडव भवन है, भाई भाई लोग ही इकट्ठी होते हैं, उसका नाम पांडव भवन रख दो, लेकिन वहाँ कोई भी कन्याएं माताएं प्रवेश नहीं होनी चाहिए। अगर प्रवेश होती रहेंगी तो गड़बड़ जरूर पड़ेगा। ये बुरी बुरी माताएं, उसमें एक पंडा आता है हमारे साथ, पांडव रहता। अरे वो जवान हो या बुढ़िया, कुछ भी हो, औरत जहर की पुड़िया। मर्द बाबा, मर्द औरत जहर की पुड़िया तो फिर मर्द को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है। भूल गए अपना टाइटल? भूल गए नहीं तो आप पूछने वाले तो आप है ना, अपना स्वरूप भूल गए इसलिए पूछ रहे। वो तो इसलिए नहीं पूछता है कि वो जानता है अंदर से बाबा से क्या जवाब मिलेगा। मर्द तो ज्यादा हो गए ना, मर्द नाम क्यों पड़ता है? मर्दा नहीं दिखाता है? नहीं, मर माने मुर्दा और दा माने देता है, बदले में क्या देता है? मुर्दा देता है। बाबा हाँ जी, मुरली में बोला है क्लास में देरी से आना या क्लास मिस करना है, ये बहुत बड़ा पाप दादा का डिसरेगार्ड है। बिल्कुल, जो संगठन का कर रहे हैं हम लोग, कोई एक दूसरा काम कर रहा है या उठ कर बाहर जाता है आता है, ये भी डिसरेगार्ड ही हो जाता है। हाँ, हाथ उठा के परमिशन ले ले, कितनी देर लगती है? क्लास के बाद पाठशाला में, गीता पाठशाला में ऐसी बातें होती है, क्लास होता है और क्लास के टाइम पर कोई बिना पूछे चला जाता है या कोई काम करता है, काम धाम में चला जाता है, जाना आना करता तो पूछ के नहीं जा सकता है? है? निमित्त बने टीचर, माने निमित्त बनी टीचर नहीं गीता पाठशाला में उसकी पूछ के जाए। अरे सामान्य दुनिया में जो क्लासेस होते हैं वहाँ टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं या रिगार्ड से जाते हैं? मे आई कम इन सर, बोलते हैं कि नहीं? जाते हैं तो भी इशारा करके जाते हैं, परमिशन मिलती है तो जाते हैं, यहाँ तो शिव बाबा का कोई रिगार्ड ही नहीं। तो दूसरे टीचर्स का क्या हाल होता होगा? बाबा तो वो खाना पकाते पकाते मुरली सुनी तो चलेंगी क्या? कर्म योगी कहा है कि कर्म ज्ञानी कहा है? हाँ, याद करना जो है उस टाइम पर कोई कर्म करो हर्जा नहीं, लेकिन ज्ञान सुनते समय अपना स्वेटर बुन रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ये शिव बाबा का डिसरिगार्ड है। क्लास में ऐसे नहीं करना चाहिए। एक चित्त होकर के मुरली सुनना, तब उस महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन चलेगा। इसका मतलब बाबा की वाणी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने काम धाम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। Thank you.
बाबा जो महाभारत में जो चलते हुए रखते थे उसमें जो अभिमन्यु चला गया था वो फिर वापस नया अभिमन्यु ने अधूरा ज्ञान उठाया या पूरा ज्ञान उठाया? अधूरा ज्ञान उठाया। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान गर्भ कौन सा है? बच्ची। 7 दिन की बच्ची, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन ज्ञान ही ज्ञान चलता है बुद्धि में। ये ज्ञान योग की बच्ची है, 9 महीने की नहीं है लेकिन 9 दिन की है। ऐसी बच्ची जो लोग नहीं करते हैं या खंडित कर देते हैं उनका ज्ञान गर्भ कच्चा रह जाता है, लेकिन अहंकार बहुत रहता है। अभिमन क्या है? अंदर अभिमान भरा हुआ है। मैं किसका पुत्र हूँ, किसका संबंधी हूँ, है वो देह अभिमान भरा रहता है। संबंधी लौकिक संबंधी पने का ये देह अभिमान नीचे गिरा देता है। कितना भी सेवा करने वाला हो अगर ज्ञान और योग में अधूरा है तो पठार खा जाएगा। मैंने भक्ति किया है लेकिन अवस्था नीचे ऊपर होती है तो उससे भक्ति किया तो अच्छा रहेगा। अवस्था नीचे ऊपर होने के लिए भक्ति करने की दरकार नहीं है, लेकिन बीच में लंबे समय तक अनिश्चय बुद्धि बन गया, क्लास छोड़ दिया, बाबा से संपर्क टूट गया, फोन से भी संपर्क नहीं है, चिट्ठी पत्री से भी संपर्क नहीं है, ईमेल से भी संपर्क नहीं है, गीता पाठशाला में आना जाना भी नहीं है, और जो मासिक या साप्ताहिक संगठन होता है उसमें भी आना जाना नहीं है। बाबा तो मुरली में कहते हैं 2 महीने भी कोई का लेटर नहीं आता है तो बाबा उसे मरा हुआ समझते हैं। तो या तो लिख करके माफी मांग लेना चाहिए, खास परिस्थिति में माफी मिल जाएगी। और लंबा टाइम हो गया है, 6 महीने, और कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया है, अनिश्चय बुद्धि बन चुके हैं। अनिश्चय बुद्धि माने विनश्यन्ति, विनश्यन्ति माना विकारी दुनिया में बुद्धि चली गई, कर्मेंद्रियों से डूब गए, तो भक्ति भी करना चाहिए और वहां जाकर के माफीनामा लिख करके आना चाहिए स्टाम्प पेपर पर, नोटरी करा के। उनको क्लास में आने के लिए परमिशन नहीं दी? क्लास में आने की दुनिया वालों को परमिशन देते हैं या नहीं? देते। अकेले में बैठ करके क्लास करो, साप्ताहिक कोर्स करो, रोज के क्लास में भी आओ, लेकिन बाबा के क्लास में नहीं आ सकते। हाँ जी, जो काली माता के गले में जो सिरो का हार बताते हैं सिर माने क्या होता है और धर माने क्या होता है? पहले एक बात का जवाब ले लो, सिर माने क्या और धर माने क्या? मुंड माल पहनती है, धर्माल नहीं पहनती।
तो मुंड का अर्थ क्या है और रुंड का अर्थ क्या है? धड़ का अर्थ है, रुंड का अर्थ है देह अभिमान। सर काट दिया, देह अभिमान को फेंक दिया और मुंड ले लिया, माने उसकी मति को हर लिया। मति माने बुद्धि, आत्मा। उसकी आत्मा को धारण करके अपने गले लिपटाई लिया, अंदर में कर लिया, अंदर में कर लिया। ये है मुंडमाल। महाकाली बहुतों की बलि लेने वाली है। चंद्रमा की उत्पत्ति कुछ जीते हुए बिताते है। चंद्रमा की उत्पत्ति जीते हुए बिताते है। कैसे? हाँ जी, वो पैसिफिक महासागर है। पैसिफिक महासागर का बिताते है, शांत महासागर। महासागर हाँ, और वो तो चंद्रमा तो राहुल है। तो क्या हुआ? वो पैसिफिक कोई चीज जब किसी चीज से अलग होती है और जोर से घूमता है तो गोला घूमते हुए जब दूर जाता है फोर्स से, तो क्या गोल नहीं हो सकता है? और चंद्रमा पे जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने जो चित्र लिए हैं वो गोल हैं या बड़े बड़े गड्ढे हैं? यहाँ दूर से गोल दिखाई देता है, लेकिन जब नजदीक पहुंचे हैं या जो लोग पहुंचे हैं वो जानते हैं कि जैसे पृथ्वी दूर से गोल दिखाई देती है, ऐसे पृथ्वी भी गोल नहीं है। कहीं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कहीं इतना गहरा समंदर है जिसकी कोई आज तक था नहीं ले पाया। तो चंद्रमा मिलने के बाद बराबर हो जाएगा। उपग्रह क्यों कहा जाता है? ग्रह और उपग्रह। ग्रह बड़ा होता है, ग्रह का बच्चा है उपग्रह है। उपग्रह जब आखिरी विनाश होगा तो नौ ग्रह आपस में टकराएंगे, टक्कर खा के सारी दुनिया का विनाश होगा। अभी भी बोला हुआ है, सौ मणकों की तेज फिर भी बराबर रहती है, लेकिन आठ तो बहुत ही ऊपर नीचे होते रहते हैं और अंत में टकराएंगे। उनके सब फॉलोअर्स चक्कर खाएंगे या न्यूट्रल रहेंगे? चक्कर खाएंगे एक दूसरे में। बाबा जो पहले मंत्र पढ़ते हैं फिर बाद में बांध होते हैं, ऐसा क्यों? मंत्र माना है मनन चिंतन मंथन मंत्रणा। ये कोई स्थूल बाण नहीं है, काय के बाण है। कोई बात मुख से निकालनी चाहिए तो मनन चिंतन मंथन करके निकालनी चाहिए जिसका प्रभाव हो, या ऐसे ही अगर बोल लेना चाहिए। हाँ जी, ओम शांति।